हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं बनाने जा रही हूँ सर्दियों की एक खास सेहत भरी मिठाई। इसे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसमें न चीनी है, न चाशनी है, न दूध है, न मावा है, फिर भी सेहत और स्वाद से भरी हुई है ये मिठाई। बस एक पीस खाएं रोज़ाना और साथ में लें एक गिलास दूध, तो ना ठंड लगेगी, ना सर्दी ज़ुकाम, ना जोड़ों का दर्द, ना कमर दर्द, साथ ही दिमाग भी तेज होगा और पूरा दिन एनर्जी से भरा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ आधा कप मूंगफली के दाने। ये वजन में 70 ग्राम के करीब हैं, जिनको हम पहले ड्राई रोस्ट ही करेंगे। पहले हम कुछ चीज़ें हैं जिनको ड्राई रोस्ट ही करेंगे। अब जब तक ये सिक नहीं जाती, देखिए ये सिक चुकी है, चलिए इसे निकाल लेते हैं अलग। इसे निकाल लिया है मैंने, चलिए इसे ठंडी होने देते हैं। और अब डालते हैं हम दूसरी चीज़, ये है मखाने। ये भी मैंने आधा कप ही लिया है, जो कि वज़न में 50 ग्राम के करीब है। इसे भी हम ड्राई रोस्ट ही करेंगे जब तक ये बिल्कुल क्रिस्पी नहीं हो जाते और हल्के हल्के गोल्डन हो जाएंगे। इन्हें अब हाथ से तोड़ के देखेंगे, अगर ये बिल्कुल बिखर रहे हैं इसका मतलब ये बिल्कुल सिक चुके हैं। इस तरह से देखिए, इन्हें भी निकाल लेते हैं अलग। इस तरह से हम इन्हें भी निकाल लेंगे एक प्लेट में। और अब बारी है नारियल की। यहाँ मैंने सूखा नारियल लिया है, जिसे कद्दूकस कर लिया है, जिसे हम खोपरा भी कहते हैं। आप डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से खोपरे को कद्दूकस कर लिया है, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। इसे भी हम थोड़ा सा सेक लेंगे, ज़्यादा नहीं सेकना है इसे। बस ये सिक चुका है, इसे भी हम अलग निकाल लेते हैं एक प्लेट में। इसे मैंने एक कप लिया है, जो कि वजन में 85 ग्राम यानी 85 ग्राम के बराबर है। अब बारी है मगज की, यानी खरबूज और तरबूज के बीजों की। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। सबसे पहले हम इन्हें हल्का सा भून लेते हैं। ये चटकने की आवाज़ आने लगती है तो पता लग जाता है ये सिक गए हैं। और साथ ही मैं ले रही हूँ मैं 2 चम्मच खसखस के दाने, या पॉपी सीड्स जिन्हें बोलते हैं, ये 2 चम्मच है। और मगज हमने लिया था आधा कप, जो कि 70 ग्राम के बराबर है। इन्हें भी हम भून लेंगे। खुशबू आने लगती है इनकी अच्छी सी, जब खसखस भुनता है। देखिए ये भी भुन चुके हैं अच्छे से, इन्हें भी निकाल लेंगे हम। ये जो चीज़ें हैं सारी मैंने ड्राई रोस्ट करी हैं। अब यहाँ मैं ले रही हूँ 100 ग्राम देसी घी, जो हमारी पूरी मिठाई के लिए सफिशियंट है। सबसे पहले मैं यहाँ डाल रही हूँ 3 चम्मच घी। देखिए मैंने 3 चम्मच घी डाल दिया है, बाकी का हम इसी मिठाई में बाद में यूज़ करेंगे। इसे गर्म होने देंगे और इसमें मैं डालूंगी यहाँ पे गोंद, खाने वाला गोंद, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है। देखिए गर्म हो चुका है और इसमें डालेंगे। अच्छे से गर्म होने पर ही डालें आप और फ्लेम को सिम पे रखें। ये इस तरह का गोंद होता है, बहुत ही हेल्दी होता है, हड्डियाँ हमारी मजबूत बनती हैं इनसे। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, पूरा एक साथ नहीं डालना है, आधा आधा करके डालना है। तो यहाँ देखिए आधा मैंने डाल दिया है और इसे फूलने तक हमें इसे तलना है। ये एकदम फूल के बड़ा हो जाता है, ये देखिए धीरे धीरे कितना फूल चुका है। ये हमारे पूरी डिश की बहुत हेल्दी इंग्रेडिएंट है। ये देखिए फूल चुका है बिल्कुल, इसे हम निकाल लेते हैं। और बाकी का अब मैं डाल रही हूँ, इसे भी फूलने देंगे। फ्लेम को आप ज़्यादा हाई ना करें इस वक्त, वरना ये जल जाएगा और चिड़ा चिड़ा हो जाएगा। मीडियम फ्लेम पर भी हमें इसे तलना है। ये देखिए ये भी फूल चुके हैं, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। इस तरह से हमें सारे गोंद को देसी घी में ही तलना है। अब जो घी बचा हुआ है उसमें मैं 1 चम्मच घी और डाल रही हूँ। और अब इसमें डालेंगे हम बादाम, जो कि मैंने टुकड़ों में काट लिया है। ये भी 70 ग्राम है, आधा कप है। और साथ ही डाल रही हूँ मैं आधा कप काजू, जो कि मैंने टुकड़ों में काट लिया है और ये भी 70 ग्राम के ही बराबर है। सारे इंग्रेडिएंट्स का मेजरमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब साथ ही अब डाल देंगे हम
अखरोट जो कि मैंने टुकड़ों में काट लिया है इसे भी, ये भी 70 ग्राम है और आधा कप के बराबर है। ये इसलिए बाद में डाल रही हूँ क्योंकि इसे ज़्यादा नहीं भूनना है। देखिए हमने तीनों को भून लिया है, अच्छे से सेक चुके हैं, अच्छी सी खुशबू आने लगी है इनकी। चलिए इन्हें भी निकाल लेते हैं हम। अब जो मूंगफली हमने भूनी थी वो ठंडी हो चुकी है और इस तरह से हाथों से रगड़ के इसका छिलका उतार लेंगे हम। और छिलका हटा करके इस तरह से देखिए ये तैयार हो चुकी हैं और इसे हम मिक्सर जार में डाल के दरदरा पीस लेंगे। ज़्यादा बारीक ना करें वरना इसमें से ऑयल रिलीज़ हो जाएगा और पल्स मोड पर ही इसे पीसना है। और ये मखाने जो हमने भुने थे इन्हें भी हम पीस लेंगे। ये पाउडर देखिए, इसका फाइन पाउडर बनाना है आपने। और अब पीसेंगे हम ये अखरोट, काजू और बादाम। इसे भी हमें पल्स मोड पर भी पीसना है वरना इनका ऑयल रिलीज़ हो जाएगा। और वैसे भी हमने ये घी में भुने हैं तो पहले ही ये ऑयली ऑयली हो चुके हैं। इसमें से मैंने थोड़ा सा बचा लिया है और बाकी का देखिए इस तरह से दरदरा मैंने पीस लिया है। अब जो कॉर्न तला था देखिए कितना इजीली मैश हो रहा है, कितने अच्छे से फूला है। इसे एक कटोरी लेके मैं उसके बैक साइड से क्रश कर रही हूँ। यहाँ मैं इसे मोटा मोटा ही रख रही हूँ, बारीक चूरा नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। अगर किसी को पसंद नहीं है मोटा मोटा क्योंकि मुंह में आता है। अब देखिए सारी चीज़ें तैयार कर ली हमने, मूंगफली, मगज, नारियल, गोंद भी क्रश कर लिया है और ये काजू बादाम का मिक्सचर हमने बनाया है और ये मखाने जो हमने चूरा किया था, सभी चीज़ें तैयार कर ली हैं। और ये थोड़े से काजू बादाम जो हमने टुकड़ों में बचा के रखे थे। चलिए अब एक कढ़ाई ले लेते हैं और उसमें जो बाकी बचा हुआ घी था वो सारा अब डाल देंगे। ये देखिए 2 चम्मच के बराबर घी बचा है, इसे हम सारा डाल देंगे और इसे गर्म होने देते हैं। घी गर्म हो गया है, अब मैं यहाँ डाल रही हूँ गुड़ जो कि वज़न में 500 ग्राम के बराबर है, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है इस तरह से। ये हम डाल देंगे इसमें। और इसे अब अच्छे से मेल्ट होने देंगे। ध्यान रहे यहाँ आपको फ्लेम हाई नहीं रखनी है, मीडियम फ्लेम पर ही करें। इस तरह से इसे मेल्ट होने दें आराम से। यहाँ हमें सिर्फ इसे मेल्ट ही करना है, कोई चाशनी नहीं बनानी है ना कोई तार बनाना है। ज़्यादा देर अगर हम इसे पकाएंगे तो ये कड़क हो जाएगा, इसलिए हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना है। बस देखिए मेल्ट हो चुका है, इतना ही हमें इसे मेल्ट करना है। देखिए मेल्ट हो चुका है। अब जो हमने सारे सामान तैयार करके रखे हैं वो धीरे धीरे करके इसमें डालते जाएंगे। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ काजू बादाम जो टुकड़ों में बचाए थे हमने। यहाँ गैस ऑफ कर देते हैं और ये काजू बादाम और ये मखाने का चूरा पहले हम मिक्स कर लेते हैं क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है, गुड़ अगर ज़्यादा गर्म हो जाता है तो कड़वा हो जाता है, इसलिए बीच बीच में हम हिलाते रहेंगे ताकि वो ठंडा होता रहे। और अब डालेंगे इसमें मूंगफली का चूरा, मगज भी डाल देते हैं और नारियल भी डाल देंगे। और अब इस गोंद को भी डाल देंगे। ये बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं लेकिन जब हम इसे मिक्स करेंगे तो ये सब सेट हो जाएंगी, इस गुड़ में आपस में मिल जाएंगी। अब धीरे धीरे इसे मिक्स करते जाएंगे। ये मिठाई
आप इसे कुछ भी कहें, पाक कहें, मिठाई कहें, बहुत हेल्दी होती है, क्योंकि हमने जो भी इसमें सामान डाले हैं उन सब का एक कोई तासीर होती है, एक गुण होता है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और अब मैं डाल रही हूँ एक चम्मच अजवाइन, ये भी बहुत अच्छी होती है हमारे हेल्थ के लिए। साथ ही डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच सफ़ेद मिर्ची का पाउडर, आप काली मिर्ची भी डाल सकते हैं। और साथ ही डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच सौंठ का पाउडर, यानी सूखी हुई अदरक का पाउडर। ये बहुत हेल्दी होती है, ये हमारे गले के लिए बहुत अच्छी होती है। इसे आप नहीं डालना चाहते हैं, इसका स्वाद आपको पसंद नहीं है, तो आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये हमारे कमर दर्द, जोड़ों दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है। ये देखिए सारा मैंने मिक्स कर लिया है, अच्छे से मिक्स हो चुका है ये, और अब गरम गरम ही हम इसे निकाल लेंगे। आप इसे ज़्यादा ठंडा ना होने दें। ये देखिए मैंने एक ट्रे को ग्रीस कर लिया था पहले ही, और इसमें हम सारा डाल देंगे। ध्यान रहे इसे ठंडा ना होने दें, वरना ये अच्छी तरह से सेट नहीं हो पाएगा। अब इसे अच्छे से फैला देंगे हम। अगर आप रोज़ाना एक पीस भी इसका खाते हैं तो ये पूरा दिन आपको एनर्जी से भरा रखेगा, क्योंकि हमने जो इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो बहुत ही हेल्दी होते हैं। और अब ऊपर से डाल रही हूँ मैं कटा हुआ पिस्ता, और अब इसे कुछ घंटों के लिए सेट होने देते हैं। अब देखिए सेट हो चुकी है अच्छे से, इसे अब काट लेते हैं। आप कोई भी शेप में इसे काट सकते हैं, मैं यहाँ स्क्वायर शेप में काट रही हूँ इसे। सबसे अच्छी बात है हमने इसमें चीनी नहीं डाली है, पूरी रेसिपी हमने गुड़ में बनाई है, जो कि बहुत हेल्दी होता है और सर्दियों में इसे खाना बहुत अच्छा होता है। देखिए बातों बातों में सारी हमारी बर्फ़ी कट चुकी है, और ये एक पीस आप रोज़ाना खा लें, एक ही पीस काफ़ी होगा, क्योंकि हर चीज़ की गर्माहट बहुत होती है, जो कि शरीर में हमारी गर्मी रखता है, हमको ठंड से बचाता है, हमारे सर दर्द, कमर दर्द, किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो ये एक पीस आपको पूरा दिन एनर्जी से भरा रखेगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।